पद्मभवं वशिषं शक्तिं च चक्रोत्रपराशरं च व्याजं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्द योगेन्द्रमताश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमताश्रपद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं करं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरो सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्ध्यातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः शान्तिः प्रज्ञानं सुकृतानै स्थिरचलनिकर व्याघ्रलोकान् भूत्वा भोरास्तविष्टान् पुनरपि भीषणोद्भाषितान् कामजन्यान् सर्वान् विशेषान् सपि मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया सङ्ख्यातुलीयं वरणं रब्रमणं ब्रह्म यत्तन्नलोऽस्मि के अलग शांति नामक चतुर्थ प्रकरण को पर विचार करते हुए अभी हम लोग अन्यवादियों की सृष्टि के बारे में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत तो वादी लोग आपस में लड़ करके ही वो होना संभव नहीं है ये दिखा दिया। वेदांति केवल उसको अनुमोदन कर देते हाँ हाँ तुम सही बोल रहे तुम भी सही बोल रहे इससे निष्कर्ष क्या पहुंचा किसी भी प्रकार से उत्पन्न होना सृष्टि होना संभव नहीं है। तो पहले सांख्यवादी के साथ योगवादी मिल करके जो कर रहे थे उसको नए वैशिष्ट के साथ मिला दिया। फिर पूर्व मीमांसा दर्शन आए तो उनका तो जो है कौन पहले यही नहीं निरूपण हो पाया। फिर उसके बाद तो शरीर फैल गए धर्म धर्म फैल गए फिर निरूपण नहीं हो पाया। उसके बाद बाह्य अस्तित्ववादी बौद्ध और जो है विज्ञानवादी बौद्ध उन लोगों को हिला दिया और विज्ञानवादी के सिद्धांतों के द्वारा फिर विज्ञानवादी को खंडन कर दिया साथ में शून्यवादी को भी और भी आदि एक अधिक और ऊपर है वो आकाश को भी अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं ऐसा उनके दिखाया। अब जो है हम लोग का ये 29 तो पढ़ लिए थे ना श्लोक पढ़े थे थोड़ा सा उसका भाष्य टी का बचा है श्लोक को पढ़ते हैं एक सर अजलं जलाय तेजस्मात् अजलाति प्रकृतिः सतः प्रकृतेरङ्गनथा भावो भविष्यति। ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे आप में बोल रहे हैं पहले जिस एक वस्तु है वो जन्म रहित है और उससे ही सृष्टि होती है। जब आप ये कहते हो तो मतलब जिसका जो प्रकृति होता है जिसका तो मूल स्वभाव होते हैं तो स्वभाव अन्यथा नहीं हो सकता। मैं पहले भी कह करके आया ना प्रकृति अन्यथा भावो न कथनचित भविष्यति
जिसका जो स्वभाव है वो परिवर्तन नहीं होता। हाँ ये है कि बहुत पुरुष का कहता मनुष्य जीवन में एक चेतन तत्व और जड़ तत्व में भिन्नता है। जड़ अपना प्रकृति को परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसे आप नहीं भूलना। और प्रत्येक चेतन तत्व अपने पुरुष का द्वारा अपने पूर्व के तो प्रकृति को जो है वो परिवर्तन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिखा है भगवत गीता में, ये नहीं कि केवल प्रकृति को हम सब चलते जाएंगे तब तक भी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। इसे ना पुरुष का द्वारा धीरे 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 अपनी प्रकृति को, प्रत्येक चेतन में संभव है, जड़ में संभव नहीं है। क्योंकि तो केवल भोग जो नहीं है, जड़ जो नहीं भोग जो नहीं है, पर वहाँ से कुछ अपना पुरुष करने का संभावना नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए वो संभावना है। देवता जन भी ऐसे ही है, देवता जन भी भोग जन है, वो सुख भोगने के लिए पूर्ण का फल भोगने के लिए वहाँ से भी मुश्किल निकल पाना मुश्किल है। दुख से तो फिर भी मनुष्य बचना चाहते हैं, सुख तो अधिक अधिक चाहते हैं, इसलिए वहाँ से निकलना और मुश्किल पड़ता है। देखो देवताओं को वैराग्य करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब देखिए बोल रहे हैं कि श्लोक यहाँ तक पढ़ लिए थे ना हमने देखा है तस्य प्रकृति अन्नतत्वम पुरस्ताद एव निरस्तम। जो प्रकृति होती है उस प्रकृति का अन्नत भाव नहीं होता, ये हमने पहले खंडन करके दिखाया है। नौवां या दसवां श्लोक में बोला था स्वाभाविक संसिद्धि थी सहज अकृताचार्य प्रकृति साहित्य विद्या स्वभाव न जहाती है। ये अलग शांति प्रकरण में है, वो अलग शांति प्रकरण में ये आठवां या नौवां श्लोक नौवां श्लोक है। अब जो है आगे बोलते हैं श्लोकस्य तात्पर्य इस श्लोक के तात्पर्य क्या है उसको भगवान भाष्कर का कहना चाहते। श्लोक के ऊपर आए हुए पांच टिप्पणी हमने पढ़ लिए थे ना, 1 2 3 4 5 पांच टिप्पणी कर पढ़ लिए थे हमने। अच्छा तो आप भाष्य में आते हैं उक्त ही हेतु भी अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम। ऊपर हमने जितना युक्ति के द्वारा आपसी उत्पत्ति होना संभव होता है वो आपस में लड़ते हुए आप लोगों ने उसको खंडन कर दिया। इसे क्या सिद्ध हुआ कि जन्म रहित एक व्यापक तत्व ही पारमार्थिक है, वहाँ पर सृष्टि होना संशय होता है। उक्त ही हेतु भी जिन जिन युक्तियों को आप लोगों ने दिखाया उन युक्तियों के द्वारा ही क्या सिद्ध अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम। जन्म रहित व्यापक सजातीय विजातीय सकल भेद से नहीं एक व्यापक तत्व ही सत्य है, ये सिद्ध होता है, ज्ञान उत्पत्ति होना संभव नहीं है। सिद्धम आठ नंबर टिप्पणी क्या बोलने वहाँ पे विनिश्चितम है ना, ये निश्चय हो गया। तो क्या हुआ जब पुनर् आदो प्रतिज्ञातम तत्फल उपसंहरार्थ अयम श्लोक। वो जो पहले प्रतिज्ञा कर गए थे अद्वैत प्रकरण में अतो वक्षण अकार पन्नम अजातिम संतान यथा न जायते किंचित जायमान समन्तत। इसको यदि प्रतिज्ञा किए थे तो तत्फल उपसंहर प्रतिज्ञा के फल दस नंबर टिप्पणी में क्या बोले थे कि तस्य उक्त निश्चय से फलम, ऐसा निश्चय हो गया कि जन्म होना संभव नहीं है तब क्या होता आपका असंभावना विपरीत भावना ये सब निकल जाता है। ये कैसे हो सकता है अथवा तो हुआ ही नहीं है, जन्म हमारे सामने दिखाई दे रहा है स्पष्ट जी आप पृथ्वी अथवा सृष्टि आप बोलते हैं सृष्टि है, ये कैसे हो सकता है। क्या उत्तर क्या देंगे हम, उत्तर क्या देंगे आप, आपके सामने सृष्टि दिखाई दे रहा है और फिर आप शास्त्र बोलते हैं कि सृष्टि है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। जैसे सूर्य को दिखा जाता है जैसे स्वप्न में देखते हो भाई, स्वप्न में तो स्पष्ट दृष्टांत है, वो स्वप्न में सारा वस्तु आपको दिखाई देते हैं सामने, फिर बंद हो सकता है क्या। क्यों स्वप्न मतलब निद्रा अवस्था में जो देखा जाता है, निद्रा अवस्था में मतलब अन्नथा ग्रहण के अग्रहण के कारण अन्नथा ग्रहण होता है, अग्रहण के कारण अन्नथा ग्रहण होता है। स्वरूप तो मैं कौन हूँ ये नहीं जानता, फल देखो तो अन्नथा ग्रहण हो गया। इसी प्रकार व्यापक तत्व निर्विशेष उसको नहीं जाना, इसीलिए क्या हो गया उसी को जगत रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए तत्फल उपसंहार उसके फल को उपसंहार करने के लिए तस्य उक्त निश्चय से बलम, उक्त निश्चय का असंभावना विपरीत भावना से रही एक जन्म रहित व्यापक तत्व ब्रह्म एव इदम विश्व पुरुष एव इदम विश्व आत्म एव इदम विश्व में निश्चय हो जाता है, ये एव का लय बोलते हैं। अच्छा फिर आगे भाषण अजातम मूल श्लोक में अजातम चित्तम ब्रह्म एव जायते इति वादिभिः परिकल्पते। अजातम तो विज्ञान है ना, अलग जिसको वो विज्ञान बोलते हैं उसको हम ब्रह्म बोलते हैं। जैसे जब चित्त मतलब विज्ञान है वो ब्रह्म ही है, और फिर क्या होता है जायते इति वादि भी परिकल्पते अलग अलग वादि पता वही उत्पन्न होता है। अब पहले क्या प्रतिज्ञा किया अजंत अज है वो, और फिर तो क्या होता है उसी से उत्पन्न होता है वही उत्पन्न होता है। वेदांत भी तो यही बोलते हैं।
बड़ा दिखेगा तस्य उक्त निश्चयस्य फलम् पुनर असंभावना आदि निवृत्ति रूपम असंभावना विपरीत भावना निवृत्ति निश्चय जो हम क्या बोलते हैं ब्रह्म आत्मा जन्म रहित है अजो नित्य शाश्वत एवं पुराण और फिर क्या बोलते हैं आत्मा ही जो है आकाश तस्मात वै तस्मात आत्मा आकाश संभूत यानी कि आकाश तो परिणाम हुआ परंतु हमारे यहाँ देखने से ऐसा है कि हमारे यहाँ परिणाम बात नहीं है विवर्तवाद है सभी बात ने उसी को जगत को मूल कारण रूप में जिसको मारा उस माना उससे सृष्टि होती है ऐसा कहा एक तरफ कह दो कि अज और फिर कह दो कि उससे उत्पन्न होता है ये विपरीत कथा भावना है कथन है अजात जब चित्तम ब्रह्म एवं जायते थी बाद भी परिकल्पते तद अजातम जायते यस्मा क्योंकि आप जो बोला कि जो जन्म रहित तत्व है वही उत्पत्ति उत्पत्ति में वही दिखाई पड़ता है जायते यस्मा क्यों कहते क्या हो गया अजाति प्रकृति यानी कि उस मूल तत्व का प्रकृति क्या है जन्म रहित अजात उस मूल तत्व का प्रकृति मतलब स्वभाव क्या है जन्म रहित उत्पत्ति होना संभव ही नहीं तस्य प्रकृति अजाति प्रकृति तस्य क्योंकि उसका प्रकृति क्या है कि जन्म रहित है ना विपरीणाम होना संभव नहीं है तत्व इसलिए तत्व मतलब अजाति प्रकृति इसलिए तत्व तत्व शब्द मूल में है देखो अजातम जायते जस्मात अजाति प्रकृति हो गया यहाँ तक अब आगे मूल में तत्व तत्व मतलब हो गया तस्मात इसलिए अजात रूपाया प्रकृति जो वस्तु जन्म रहित है इस प्रकार प्रकृति का अन्यथा भाव को जो है जन्म रहित हो जाएगा मतलब पहले क्या था जन्म रहित वाला अभी क्या होगा जन्म वाला और अन्यथा भाव जन्म न कथंचित भविष्यति किसी भी अवस्था से वो होना संभव नहीं है प्रकृति पहले बोल करके इसको और व्याख्या नहीं करते हैं अब टीका में आ जाइए टीकाकार बोलते हैं कूटस्थम अद्वितीयम ब्रह्म इति जब पूर्वत्र प्रतिज्ञातम ब्रह्म क्या है कूटस्थ रहित वस्तु है अद्वितीय मतलब भेद रहित स्वगत भेद से भी रहित है कूटस्थम अद्वितीय ब्रह्म जब पूर्वत्र प्रतिज्ञातम मतलब अभिकारी भेद रहित व्यापक तत्व जो पहले प्रतिज्ञा करके आया था तब जन्मन उसका तत्व तस् जन्म का उसका जो जन्म है तस् दुर्निरूपत्व उसको निरूपण करना संभव नहीं होने के कारण कई वादियों ने अलग अलग कोशिश किया परंतु हुआ नहीं पाया उक्त हेतु हे जो आप लोगों ने जो युक्ति दिया उसी युक्ति के द्वारा ही क्या हो गया उक्त हेतु भी सिद्धम सिद्ध हो जाता है ठीक है ना जो है उक्त हेतु भी अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम इस वाक्य का अर्थ टीकाकार लिख दिया कूटस्थम अद्वितीयम ब्रह्म इति भाष्य का जो पहला पंक्ति है ना अद्वितीयम ब्रह्म जब पूर्वत्र प्रतिज्ञातम तब जन्म उसका जो जन्म है उस जन्म का षष्ठी जन्म दुर्निरूपत्व वो जो है निरूपण करना कठिन होने के कारण उक्त हेतु भी जिस युक्ति के द्वारा आपने युक्ति मतलब एक दूसरे को खंडन कर रहे थे उसी युक्ति के द्वारा ये सिद्ध होता है जन्म रहित ब्रह्म सिद्ध होता है तस्यैव सिद्धस्य अर्थस्य फलम उपसंहर्तुं एषः श्लोकः है ना वादियों के युक्ति के खंडन मंडन के द्वारा जो चीज सिद्ध हुआ उसी को उपसंहार करने के लिए ये श्लोक आया हुआ है ठीक है ना कि वादियों की जो युक्ति है तस्यैव सिद्धस्य अर्थस्य वादियों के वाद विवाद के द्वारा जो वस्तु सिद्ध हुआ उसी का फल को आप यहाँ पे उपसंहार करने के लिए इस श्लोक का ये श्लोक आया हुआ है बंदन नंबर टिप्पणी है वहाँ पे तस्यैव सिद्धस्य ठीक है बेटा निश्चय रूपस्य इति अर्थ है ना उसका रूप निश्चय जो हुआ वो क्या निश्चय हुआ कि जन्म होना संभव नहीं है वो यहाँ पे ठीक है निश्चय रूपस्य सिद्धस्य अर्थस्य फलम उपसंहर्तुं उसके फल को उपसंहार करने के लिए इसे श्लोक है श्लोक आया वही थी अर्थ श्लोक में दो आधा भाग है पहला भाग अर्थात दूसरा अर्थ मतलब पूर्वार्थम जो जयति पूर्वार्थम कौन है अजातम जायते तस्मात् अजाति प्रकृति ततः ये पूर्वार्थ है उसके बोलते अजातम जत चित्तम ब्रह्मैव जायते इति बाधि परिकल्पते अजात मतलब जो विज्ञान उसे ब्रह्म ही है और वो जो है जन्म रहित होते हुए भी उसका उससे उत्पत्ति उत्पन्न होता है इति इस प्रकार से वादी भी अलग अलग वादियों के द्वारा
है ना, जगत के मूल तत्व को अलग अलग भावियों ने अलग अलग नाम दिया, कोई बात नहीं, तत्व जो है कि अलग अलग भावियों ने अलग अलग नाम दिया, और उसको पहले अपने आप प्रतिज्ञा करते हैं कि ये जन्म रहित है, फिर बाद में क्या कहते हैं यही जो उत्पत्ति होती है, यही जो है बाधिक होता है। तो आप जो मानो वेदांत यही कहते हैं, परंतु हम विवर्तवाद को मानते हैं, परिणामवाद को नहीं मानते हैं, इसलिए परिकल्पति। हाँ पे देखिए, यदि तत् अजातम जायते यस्मा, क्योंकि वो जन्म रहित तत्व की जन्म होता है, इसलिए अजाति प्रकृति जन्म रहित उसका प्रकृति है, तस्य उस जन्म मतलब मूल तत्व को तथ तस्मा, इसलिए वो जो अजात रूप आया प्रकृति, अब फिर टीका में आने की हम देखिए, यदि चित्तम स्फुरणम अजातम अभिष्टम, यदि चित्त मतलब विज्ञान जिसका स्फुरण होता है वो जन्म रहित है, ये तुम्हारा अभिष्ट है ना, वो जन्म रहित है, विकार रहित है, अविकारी है, यदि यही तुम्हारा अभिष्ट है, तरी तदे तद ब्रह्म एव, वही उसी को तो हम ब्रह्म बोलते हैं, उसी को तो हम ब्रह्म बोलते हैं, तस्व कूटस्थ एक स्वभाव्य, वो कूटस्थ और एक ही स्वभाव वाला है, अनेक स्वभाव वाला नहीं है, है ना, कूटस्थ एक स्वभाव्य, किसका, वो ब्रह्म, उस ब्रह्म, तस्व ब्रह्म न तस्य ब्रह्मण, तस्य पहले ब्रह्म है, ब्रह्म एव तद् ब्रह्म एव तस्य ब्रह्मण कौटस्थ, कौटस्थ मतलब कहेगा कूटस्थता की जो भाव, ये बता कौटस्थ, कूटस्थ उसकी भाव मतलब अभिकारी, अभिकारित्व, इसलिए बोलते हैं कौटस्थ एक स्वभाव्य, और वो क्या कैसा है, और एक ही स्वरूप वाला है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, हमेशा एक ही रूप में रहता है, तद् पुनर्वस्तुन, उस प्रकार वस्तु का फिर से न जाता मे को, है ना, वो तो जन्म उसका हो नहीं सकता है, माया या जन्मवत इति कल्पते, माया से कोशिश में कुछ वस्तु उत्पन्न हो गया जैसा ये कल्पना किया जाता है, यदि ऐसा क्या बच्चे तस् अजाति नेव, तो उसका हो गया वो जन्म रहित, तब तो जन्म रहित ही रह गया, वो जन्म वाला हुआ क्या, वो तो माइक है, जन्म तो माइक है, इसलिए बोलते हैं तस् अजाति एव अजातत्व प्रकृति भग अजातत्व, प्रकृति भगे को अजात जन्म होने के कारण वो जन्म रहित होते हुए ही वो प्रकृति मतलब कारण बन जाता है, कन्वर्ट होते, इसलिए देखिए यदि चित्तम स्फुरणम, जो चित्त जिसका स्फुरण शब्द विज्ञान की तरह बोलते हो, अजातम अभिष्ट वो जन्म रहित है, ऐसे तुम्हारा अभिष्ट मतलब ये मान्यता है, तरी तब तक ब्रह्म है वो, तो हमारी चिंतन में ब्रह्म ही है, तस्य उस ब्रह्म का, तस्य ब्रह्मण कौटस्थ एक स्वभाव्य, तो ब्रह्म क्या है, कूटस्थ नित्य वस्तु, एक स्वभाव मतलब नित्य, कूटस्थ नित्य परिणाम नित्य नहीं है वो, कूटस्थ एक स्वभाव नित्यत्व, तत् पुनर्वस्तु न जाता, फिर उस वस्तु से उस वस्तु का उत्पन्न होना फिर संभव नहीं है, जातमेव माया जन्मवत इति कल्पते, चेत नहीं माया से जन्म हुआ जैसा, माया से जन्म हुआ अथवा जन्म वाला जैसा होगा, यदि ऐसा कल्पना करते हो तो स्वजाति नहीं होता, आपको जन्म रहित ही रह गया, वो तुम्हारी है, इसलिए अजातत्व प्रकृति से वो अजात होते हुए भी वो कारण बन जाता है, इति अर्थ है, इसका विपरीत अर्थ है। यहाँ पे 16 नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहा है ना, अजातत्व वास्तव जन्म अभाव, अरे वास्तविक जन्म होना संभव ही नहीं है, इस कारण से वो अजो अजोल्य रह गया, वो जन्म वाला नहीं हुआ, ये पहला अर्थ, पहला आधा भाग का अर्थ हो गया। अब द्वितीय अर्थ हम योजयति प्रकृतिरन्यथा भावं न कथञ्चित् भविष्यति, तो द्वितीय अर्थ होते अजात रूपायः प्रकृतेः, अजात रूपाया में कौन सा विभक्ति होना चाहिए, अजात रूपायः प्रकृतिरन्यथा भावो जन्म न कथञ्चित् भविष्यति, अजात रूपायः कथंचित भविष्यति, किसी भी प्रकार से होना संभव नहीं है। तब अजात रूपाया हो गया, हम टीका में देखिए तस्याश्चेत् अन्यथात्वम् स्वरूप हानि, यदि वो अन्य भाव को प्राप्त करते हैं मतलब यदि वो अपने रूप को छोड़कर अन्य भाव को, तो अब क्या हो जाएगा, व्यवहार में विश्वास ही हट जाएगा। आपने बाजार से चीनी का स्वरूप मीठा है ये समझ करके आपने बाजार से चीनी खरीद के लाया, उसका जो स्वभाव है मीठापन, यदि वो बदलने लग जाए
आपने जो है चाय पीते समय आपको नमकीन लगेगा, सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, व्यवहार नहीं चल पाएगा। इस वस्तु का जो स्वभाव है यदि वो जोड़ देता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, चावल अपने लाए बाजार से पेट भरने के लिए मछली बन गया। बताओ जो व्यवहार चलेगा कभी? ये जो सिद्धांत को पक्का समझना है कि प्रतिदिन अन्न का भाव होना कदाचित भविष्य, यदि ये सिद्धांत तो नहीं जाएगा तो व्यवहार ही बंद हो जाएगा। बोलते हैं तस्य चेत् अन्नथात्वम्, यदि वो अन्नथा भाव को प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा, स्वरूप हानि, उसका स्वरूप हानि हो जाएगा, वो भाव को प्राप्त होगा, स्वरूप हानि आपत्ति, मतलब अविनाशी वस्तु नाशवान हो जाएगा, अविनाशी वस्तु नाशवान हो जाएगा, अविकारी वस्तु विकारी हो जाएगा, ये होना संभव नहीं है। प्रतिदिन अन्नथा भाव न कदाचित भविष्य, व्यवहार में देख लेना इसको, ऐसा समझना आसान है। इसलिए 17 नंबर टिप्पणी तो अन्नथात्व मतलब परिवर्तन, यदि वो अपने में कुछ परिवर्तन करता तब क्या हो जाएगा, आपने कोई चीज़ बना के रख कर गैस व्यास के देख कर करके परिवर्तन हो गया और उल्टा ही हो गया, ये होना संभव नहीं। जिसका जो वस्तु है वो ऐसे ही आप चाहे बहुत अच्छा इस चीज़ को समझते हैं, इसको अगला स्वरूप हो तो क्या हो गया, कूटस्थम तत्त्वम तात्विकम इति अत्र हेत्वान्तरम। आपको इस कारण से भी कूटस्थ तत्व भी तात्विक है, पारमार्थिक है, रियल है, यथार्थ सत्य है। कूटस्थम तत्त्वम तात्विकम, जो कूटस्थ तत्व है वही पारमार्थिक है। इस विषय में एक हेतु को और कह रहे हैं, इस विषय में एक हेतु को और दे रहे हैं। क्यों, कूटस्थ तत्व यदि नहीं मालूम, जिसका जो स्वभाव है वो परिवर्तन नहीं मालूम, व्यवहार नहीं चल पाएगा, ये जो हेतु पहले देख लो। और ये जो मुक्ति का कॉन्सेप्ट है आपका, उसको लेकर के कितना परेशानी हो जाएगी जरा देख लो आप। अभी हमें 4 नंबर टिप्पणी में कूटस्थम यदि अजात स्वभावत्व अपेक्षाया, है ना, अजात स्वभाव की अपेक्षा से पूर्ण, न तो संसार मोक्ष इति भाव, बड़े तो वहाँ पे ना संसार शब्द से बंध ले लेना, इसीलिए वो जन्म रही जाए तो उसका पे बंधन भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। जैसे जन्म नहीं है वैसा मुक्ति भी नहीं है, हमारे सिद्धांत तो बिल्कुल पक्का है, दोनों तुम्हारा कल्पना है, उसका कुछ है ही नहीं करती, अपने आप जो स्वभाव है वही स्वभाव, कुछ भी ये नहीं बोल सकता। इसलिए अजात स्वभाव तो अपेक्षा है, जन्म रहित स्वभाव की अपेक्षा रख करके वहाँ पे बंध भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं है। संसार शब्द से कह लेंगे संसार मतलब बंध, संसार से बोलते न तो संसार मोक्ष इति भाव, वहाँ पर संसार भी नहीं है मुक्ति भी नहीं है, मतलब बंधन भी नहीं है मुक्ति भी नहीं है। तत्त्वम दैट इज पारमार्थिक वस्तु, दैट इज द रियलिटी, है ना, बोलो तत्त्वम मतलब वही पारमार्थिक तात्विक अमिति अत्र हेतुअंतर, वो वस्तु एक एक स्थिति है, इस विषय में एक हेतुअंतर और बोल रहे हैं, ये हेतु बहुत बलवान हेतु है। देखिए क्या बोलते हैं, अनादेरंतवत्तम च संसारस्य न शेष्यति, संसारस्य न शेष्यति, अनंतता चारिमतो अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति, मोक्षस्य न भविष्यति, अनादेरन्तवत्तं च संसारस्य न शेष्यति, अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। संसारवाद में अनादिमान, संसार में व्यवहार में ऐसा कोई वस्तु नहीं देखा जाता जो अनादि हो और अंतवान हो, अनादि हो और अंतवान हो। वेदांतिक सिद्धांतों के अनुसार 6 तत्व को अनादि माना गया है, वेदांतिक सिद्धांतों में जीव ईश विशुद्धा चित जीविषयोर भेद अविद्या तच्चित्तियोग षड् अस्माकम् अनादयः। हम वेदांति में 6 अनादि तत्व को मानते हैं, क्या क्या है, एक हो गया जीव ईश्वर विशुद्ध चित, जीव विशुद्धाचित विशुद्धाचित जीव ईश्वर विशुद्धाचित जीव ईश्वर भेद, जीव ईश्वर के अंदर जो भेद है, जीव ईश्वर के अंदर जो भेद दिखाई पड़ते हैं वो भेद भी जो है अनादि। कब से अनादि मतलब ये नहीं समझना कि कारण मतलब अनादि का से चलता रहे, हम नहीं जानते कैसे हमसे जुड़ गया। जीव ईश्वर विशुद्धा चित जीव ईश्वर भिदा, जीव ईश्वर के अंदर भेद मान लिया,
जीव और ईश्वर के जो भेद होता है, जीव ईश्वर विदा एक समस्त है, पूरा जीव और ईश्वर में जो भेद दिखाई पड़ते हैं। और अविद्या चित्ति योग अज्ञान और अज्ञान के साथ चैतन्य का जो संबंध है, अविद्या के साथ उसका जो चेतन के साथ जो संबंध हो जाता है, ये षट अस्माकम अनादया, ये छह हमारी अनादि माना जाता है। अनादि मतलब ये है कब से और कैसे ये हमको समझ में नहीं आता। जी यहाँ पर आप छह बोला, जीव ईश्वर शुद्ध जीव, जीव ईश्वर का जो भेद है, और अविद्या समुचित अविद्या के साथ जो चेतन का संबंध तत्चित, अविद्या तत्चित योग, अविद्या चित्त जिस योग और जीव और ईश्वर के भेद, ये दोनों ये छह है, जीव ईश्वर विशुद्धा जी जीव ईश्वर विदा और अविद्या तत्चित योग षट अस्माकम अनादि। तो विशुद्ध एक अनादि है, विशुद्ध चित्त शुद्ध चेतन चित्त एक हमारी अनादि मानते हैं। अनादि में सारे नाशवान है, केवल विशुद्ध चित्त को छोड़कर, केवल निशिता चित को जीव जीवक जीव के जीवत्व में चला जाता है, ईश्वर के ईश्वरत्व में चला जाता है, जीव ईश्वर में भिन्नता बुद्धियों में चला जाता है, अज्ञान भी नाश हो जाता है, तो चैतन्य का संग उसका जोग भी नहीं रहता। केवल कौन क्या बचता है, शुद्ध चेतन ही बचता है, शुद्ध चेतन ही बचता है, ये अधिष्ठान पंचभूत में भूत है, शादी है वो आकाश को उत्पत्ति है उसका प्रलय में लय होता था, जो आदि वाला होगा वो अंतमान होगा ही होगा, और जो अनादि होगा नाश वाला नहीं होगा। वेदांत की सिद्धांत हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सारा कल्पित है, और जिसको तुम पारमार्थिक माना उसका नहीं नाश होगा। हमने पारमार्थिक किसको माना, एकमात्र विशुद्ध चित्त को पारमार्थिक माना, उसका नाश नहीं होता, बाकी सारा अज्ञान से कल्पित है, उसका नाश माना, ज्ञान होते ही नाश हो जाता है। हाँ, अनादि अंतवत्तम मतलब आपने क्या बोला कि एक अनादि तत्व है और वो अनाशवान हो जाएगा। संसार को यदि पारमार्थिक मानते हो, पारमार्थिक सत्य मान करके वो अनादि है और नाशवान होगा, ये होना संभव नहीं होगा। संसार को यदि पारमार्थिक, संसार यदि कल्पित है तब तो नाश होगा, ज्ञान से नाश हो जाएगा। यदि संसार के पारमार्थिक सत्य मानोगे और अनादि भी मानोगे तो अंत कभी नहीं होगा, तो अंत कभी नहीं होगा संसार का। और फिर मोक्ष, मोक्ष तो विज्ञानवादी बोध तो शून्यवादी बोध दोनों जो है मोक्ष की उत्पत्ति होती है मानते हैं, मोक्ष की उत्पत्ति होती है, और मोक्ष को भाववस्तु भी मानते हैं, मोक्ष को भाववस्तु भी मानते हैं। तो आदि वाला कोई भाववस्तु अनंत होगा कहीं नहीं दिखाई दिया, आदि वाला जिसकी जिसकी उत्पत्ति हुई ऐसा कोई भाववस्तु अनंत हो जाए कहीं नहीं दिखाई दिया। अच्छा, पूर्व ये हमारा न्याय प्रशासित दर्शन में जैसे प्राग अभाव, घट की प्राग अभाव अनादि है, परंतु घट उत्पत्ति होते ही वो अभाव का नाश हो जाता है। घट के प्राग अभाव जिस प्रकार आप, मैं जर्मन भाषा नहीं जानता हूँ, कब से नहीं जानता हूँ, मुझे पता नहीं अनादि अनादि काल से, अब जर्मन भाषा हमने सीख लिया तो जर्मन भाषा के ज्ञान की जो अभाव थी वो नाश हो गया, वो नाश हो गया। परंतु देखो क्या नाश हुआ, अभाव, अभाव वस्तु नहीं है, प्राग अभाव प्रबंधन और प्रबंधन स्वभाव, घड़ा यहाँ पे था आपने मार्ग उसको तोड़ दिया तो प्रबंधन स्वभाव उत्पन्न हुआ, घट नाश हो गया, वो कब तक रहेगा, उस घट की नाश अनंत काल तक रहेगा। परंतु दो ही अभावात्मक है, इसलिए भावात्मक यदि वस्तु है
तो भावात्मक वस्तु में जो है यदि भावात्मक पारमार्थिक वस्तु यदि है और अनादि है तो अंतोवर नहीं हो सकता। इसी प्रकार भावात्मक वस्तु यदि उत्पत्ति हो जाए तो अनंत भी नहीं हो सकता। भावात्मक कोई वस्तु यदि उत्पत्ति हो जाए तो अनंत नहीं हो सकता, ये मुख्य सिद्धांत है। इसलिए वेदांत में ना बंधन है ना मुक्ति है, वो भ्रांति से कल्पित है और भ्रांति मिटने से उस जैसे अपना स्वरूप नष्ट हो जाता है। होगा भविष्य सत धातु से सत सद उसको अपना शेत सत्य गुण होकर शेत सत्य बन जाए। न संभवती न संभवती, आप देखिए वहाँ पे टीकाकार जो है इनकी जो है हमारे इसके ऊपर अनादि के लिखा ना कूटस्थ अनादि अंतवर्तित्व संसार, इसको एक अनुमान दे रहे टीकाकार, विमत संसार विवादास्पद जो संसार है ठीक है ना, न अंतमान वो उसका अंत कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? अनादि भावत्व, यदि अनादि भाव रूप है, अनादि यदि अभाव रूप होता है प्राग अभाव, अनादि है परंतु अभाव रूप है, परंतु अनादि भाव रूप नहीं है, यदि अनादि भाव रूप होगा तो कभी भी वो अनंत अनंत उसका नाश नहीं होगा। इसलिए विवादास्पद संसार न अंतमान उसका अंत कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? अनादि भावत्व, ध्यान देना भाव पद नहीं देगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, अनादि होते हुए भाव रूप होने के कारण संसार को आप लोग भाव रूप होते, अनादि होते हुए भाव रूप होने के कारण तो वो कभी अंत नहीं हो पाएगा, न अंतमान। निष्ठंत क्या दिया? आत्मवत भगवत, संसार भी आत्मा की तरह जो है नित्य हो जाए। तो अनादि अभाव अनादि के अभाव है, भाव है। नहीं नहीं अनादि मतलब आदि नहीं है जिसका, कोई कोई वस्तु को लेकर के आप अनादि बोलोगे ना, जो आप जो जिस वस्तु को लेकर के आप अनादि बोल रहे हो वो भावात्मक वस्तु है या अभावात्मक वस्तु है? जिस वस्तु को लेकर के आप जिस वस्तु को लेकर के आप बोल रहे हैं कि अनादि है वो भावात्मक वस्तु है या अभावात्मक वस्तु है? तब पूर्व या हमारा न्याय वैशेषिक दर्शन जो है प्राग अभाव उसको अनादि मानते हैं, तो अभाव बोल रहे हैं ना, वो अभाव घट कब से नहीं है, घट कब से नहीं है, अनादि कब से नहीं है, मैं जर्मन भाषा नहीं कब से नहीं जानता हूँ मुझे पता नहीं है उसका पता। इस प्रकार का जो अभाव है वो क्या होता है, वो अभाव उसके भाव से नाश हो जाता है, घट उत्पत्ति होने से घट के प्राग अभाव नाश हो गया। हम जर्मन भाषा सीख लिए तो हमारे जर्मन भाषा की जो अज्ञानता थी वो नाश हो जाती है। अभावात्मक वस्तु को मतलब उसका जो है नाश होना संभव है, मतलब भावात्मक सर्व वस्तु का भावात्मक वस्तु का अनादि भावात्मक वस्तु का नाश होना संभव नहीं है। अनादि भावात्मक इसलिए बोलते हैं विमत संसार विवादास्पद जो संसार है न अंतमान उसका अंत कभी नहीं हो पाएगा। क्यों? अनादि भावत्व हेतु है, पक्ष हो गया विवादास्पद संसार। जो विवाद विमतम क्यों लिखा, क्योंकि कोई बात इसको नित्य मानते हैं कोई बात अनित्य मानते हैं और कोई बात ये बिल्कुल मतलब है ही नहीं कल्पना मानते हैं। संसार को अनित्य तो लगभग सभी वादी ने माना, एकमात्र पूर्व मंत्र दर्शन को छोड़ कर दिया, परंतु संसार मिथ्या ये तो एकमात्र वेदांत ही मानते हैं। ये जो इसको इसे विमतम लगा है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, अलग अलग वादियों का अलग अलग मत है, ये जो विवाद है ये विवादास्पद संसार ये कभी अंत नहीं हो पाएगा, ये शब्द है न अंतमान अंत वाला नहीं है। क्यों? अनादि भावत्व अनादि होते हुए भाव रूप होने के कारण दृष्टांत आत्मा मतलब विशुद्ध आत्मा से क्या लेंगे, तो विशुद्ध चित्त जो आपने दिखाया विशुद्ध चित्त शुद्ध चेत ये जो है ये इसीलिए हो गया एक अनुमान, ये पहला अनुमान ये पहला लाइन का अनादि अंतवत्तम च संसारस्य न शेष्यति, इस लाइन का अर्थ कर दिया टीकाकार। कारिका में जो पहला लाइन आया हुआ उसको टीकाकार अर्थ कर दिया, क्या अर्थ कर दिया, अनादि संसार है ना वो कभी भी नाशवान नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी मान्यता के अनुसार अनादि होते हुए भाव वस्तु है, ऐसा इति अर्थ जैसे आत्मा ये दृष्टांत दे दिया। नेक्स्ट दूसरा किंच और भी देखो तुम्हारे पक्ष में क्या दोष होगा, क्या दोष होगा, मोक्ष अनंत न मोक्ष अनंत भी नहीं हो पाएगा भावत्य सति आदिमत्वात्, भाव वस्तु होते हुए आदिमान होने के कारण आदि वाला होने के कारण कोई भाव वस्तु जो आदि वाला होगा वो क्या हो जाएगा अंतमान भी होगा,
उनके सिद्धांत के अनुसार न्याय को शासक सिद्धांत के अनुसार प्रध्वंश वो आदिमान है और अनंत मात्र है उसको, परंतु अभाव है, भाव रूप नहीं है। इसीलिए एक पद विशेष दिए, यदि भावत्व पद नहीं देंगे तो अनुमान में व्यभिचार आ जाएगा, इसलिए अनुमान दुष्ट दुष्ट हो जाएगा। और भी देखो तुम्हारे पक्ष में क्या दोष है, मोक्ष अनंत न भवती, मोक्ष भी अनंत नहीं हो पाएगा। यदि मोक्ष को सभी वादी मुक्ति को अनंत ही मानते हैं, कोनो वादी ये नहीं चाहता कि मैं मुक्ति को आनंद लेकर के फिर दुख में आ जाऊं, है ना। इसीलिए सभी वादी जो मुक्ति को अनंत ही मानते हैं, परंतु इस प्रकार अनंत भी नहीं हो पाएगा। क्यों? भावत सती आदिमत्व यदि है, वो भाव वस्तु आदिमान होने के कारण अभावात्मक नहीं है। क्यों भाव वस्तु बोला? क्योंकि प्रथम स्वभाव से व्यभिचार को हटाने के लिए, इसलिए भावत सती आदि आदि वाला होने के कारण। जैसे घटवत, घट एक वस्तु है, भावात्मक वस्तु दिखाई पड़ते हैं, उसकी उत्पत्ति भी दिखाई पड़ती है, तो घट क्या हो जाएगा? जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो पैदा हुआ भावात्मक कोई वस्तु उसका मृत्यु अनिवार्य है, नाश अनिवार्य है। सिद्धांत है ये, आप क्या हो जाएगा? आप क्या मानते हो? मुक्ति की उत्पत्ति होती है और मुक्ति एक भावात्मक वस्तु है, तो अनंत कभी नहीं हो पाएगा, वो अनंत कभी नहीं होगा। इतना बड़ा दोष आपके पक्ष में आने जा रहा है, उत्पत्तिशील भाव वस्तु मानते हैं, ये हो ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ये हमारे सिद्धांत पक्ष। अब भगवान भाष्यकार श्लोक से तात्पर्य, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? कौन सा श्लोक का? अनादि अंतवत्तव्य संसार सनशेषति अनंतता च आदिमतो मोक्षचन भविष्यति। श्लोक को याद रख लेना, इट्स बहुत फंडामेंटल सिद्धांत है वेदांत में। तो यहाँ पे उत्तर श्लोक से तात्पर्य, श्लोक के तात्पर्य जो कहते हैं अब भाष्यकारे, अयम च अपर आत्मन संसार मोक्षयोर परमार्थ सद्भाववादिनां दोष उच्यते। एक और एक दोष दे रहे आत्म संबंधित, अयम च अपर, एक दूसरा अपर मतलब वैतत्व प्रकरण उक्त दूषणे विलक्षण, वैतत्व प्रकरण में संसार को सत्य मानने के लिए जो जो दोष दिया था उससे अलग दोष दे रहा है, उससे अलग दोष दे रहा है। वैतत्व प्रकरण में जो भी संसार सत्य नहीं हो सकता है उस पक्ष में जो भी दोष दिया था सत्य मानने में उससे अलग दोष दे रहा है, यहाँ पे विलक्षण दोष है। आत्मा में संसार मोक्षयोः आत्मा की उत्पत्ति और आत्मा की मुक्ति नाश, अथवा आत्मा का बंधन, आत्मन मतलब आत्मा का संसार मोक्षयोः, आत्मा में संसार और मुक्ति मतलब बंधन और मुक्ति। संसार क्या लेते हैं? संसार मतलब बंधन, बंधन और मुक्ति। परमार्थ सद्भाववादी अभी दोनों पारमार्थिक सत है ऐसा मानने वाले पक्ष में दोष उच्यते, उसके पक्ष में क्या दोष होगा उसको कहा जाता है श्लोक के द्वारा दोष उच्यते। क्या दोष होगा? देखो संसार गुणवटी संसार मोक्षयो अविनाशित्व विनाशित्व रूप दोष आ जाएगा, संसार का विनाशित्व आ जाएगा और मोक्ष में विनाशित्व आ जाएगा। और उल्टा चाहिए हमको, संसार में राशित्व और मोक्ष में अविनाशित्व, तुम्हारे सिद्धांत उल्टा क्या हो जाएगा? संसार में अविनाशित्व और मुक्ति में नाश हो जाएगा। संसार को अपने अनादि भाव वस्तु मानेंगे, अनादि भाव वस्तु मानेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा। और यदि मुक्ति को आप जो है आदिमत भाव वस्तु मानेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नाशवान हो जाएगा। ये सिद्धांत है, अरे इस सिद्धांत में कोई व्यभिचार नहीं दिखा सकते हैं, इस सिद्धांत में कोई गलती नहीं दिखा सकते, हर जगह नहीं दिखाई पड़ती है, ये दोष आ जाएगा तुम्हारे पक्ष में। और अनादि का शब्द का क्या मतलब हो गया? बोलते अनादि मतलब अतीत कोटि रहितस्य, है ना। एक अतीत कोटि है, अतीत कोटि ये इसका पास्ट है ना, हाँ वो पास्ट से रहित मतलब वो पास्ट से हमेशा प्रेजेंट है, वो मतलब हमेशा विद्यमानता है। अनादि मतलब जिसकी विद्यमानता हमेशा है, कटी रही दस मतलब जिसकी विद्यमानता हमेशा है, ठीक है ना। कोटि का मतलब कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टीकाकार देखिए लिख रहे हैं कि जहाँ पे टीका में देखिए तत्र पूर्वार्थम व्याकरोति,
ठीक है ना। भगवान भाष्यकार वो पहला आधा भाग को व्याख्या करते हैं कि अनादिर अतीत कोटि रहितस्य, देखिए अतीत कोटि रहितस्य इसका अर्थ टीका का नित्य पूर्व न आशीत इति अवच्छेद वर्जितस्य, पहले नहीं था इस प्रकार कालात्मक अवच्छेद से जो रहित है वो अनादि जो कालात्मक अवच्छेद से रहित है, ठीक है ना। इसलिए बोलते अतीत कोटि रहितस्य, भाष्यकार अनादि शब्द का अर्थ करते हैं क्या अतीत कोटि, अतीत जिसको पास्ट का हम कहते हैं तो उससे उस प्रकार की कैटेगरी से जो रहित है, ये मतलब क्या हो गया पूर्व न आशीत पहले वो नहीं था इति अवच्छेद वर्जित, इस प्रकार का जो मतलब लिमिटेशन अथवा कालात्मक जो अवच्छेद उससे जो रहित है उसका अनादि हो गया, कालात्मक जो अवच्छेद है उससे जो रहित है वो हो गया अनादि, ठीक है। अतीत कोटि रहित का भगवान भाष्यकार अनादि मतलब हो गया अतीत कटि रहित सृष्टि बने अनादि वस्तु का पूर्व न आसीत अवच्छेद वर्जितस्य, पहले नहीं था इस प्रकार के अवच्छेद जिसके अंदर नहीं ऐसे रही था वो हो गया आपका अनादि। और कौन है संसारस्य है ना, अतीत कटि रहितस्य अनादि संसारस्य अंतवत्तम, अंतवत्तम मतलब समाप्ति, ये कभी समाप्ति ही नहीं होगा, न शेष्यति वो कभी नहीं हो पाएगा, युक्ति तो सिद्धि न उपायस्यति, युक्ति से तुम इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, युक्ति तो सिद्धि न उपायस्यति, युक्ति से तुम इसका उपाय नहीं निकाल पाओगे, ना कोई नहीं पाएगा कभी। ये हो गया पहला दोष, पहला लाइन न ही क्यों उसके लिए हेतु दे रहे, न ही व्यवहार में न ही अनादि सन अंतमान कश्चित पदार्थ दृष्ट लोके, ऐसा कोई भाव वस्तु पदार्थ मतलब कोई भाव वस्तु वो अनादि होते हुए उसका नाश हो गया, ऐसा कोई भाव वस्तु संसार में दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई भाव वस्तु संसार में दिखाई नहीं देता, न ही अनादि सन अनादि होते हुए अंतवान अंत वाला कश्चित पदार्थ कोई भी पदार्थ लोके दृष्ट लोक व्यवहार में नहीं दिखाई देता, कोई कहीं आप कहीं कुछ भी कहिए है ना, हमारे यहाँ पर तो ईश्वर तक भी ज्ञान होने के बाद ईश्वर तक भी जो है आवश्यकता नहीं है, बस एक शुद्ध चेतन ही तो है ईश्वर, तो मैं उपाधि हुआ था जब समझ ठीक है व्यवहार में जब वो ज्ञानी पुरुष के तरह व्यवहार होते हैं तो एक कोटि नीचे उतर के माया के साथ ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि व्यवहार माया की होते हैं पारमार्थिक तो व्यवहार नहीं होता, ईश्वर अभी मान्यता देते हैं परंतु पारमार्थिक दृष्टि से वहाँ तक जो है जो छः में से पाँच जो है चला जाता है थोड़ा शुद्ध चित्त बचना है गया। तो वो बोलते हैं अब भाई ये जो बीज अंकुर की संतति है ना फ्लो किसका बीज और अंकुर ये कब से है अनादि है, अब बीज को जला दो तो नाश हो गया वो अनादि किंतु नाश हो गया, तो हमारे दृष्टांत है क्या दृष्टांत है बीज अंकुर संतति पूर्ववादी बोल रहे हैं, गुरुवारी बोलते हैं बीज अंकुर संबंध संबंध होते हैं बीज और अंकुर की संतति, संतति होता है कंटिन्यूटी और नैरंतरीय वो निरंतर है और विच्छेद दृष्टि उसका नाश दिखाई देता है, अनादि काल से भाव रूप भी है निरंतर दिखाई पड़ते हैं और क्या है उसका विच्छेद भी दिखाई पड़ते हैं, आपने बीज को जला दिया इति चेत यदि हम ऐसा कहें तो संभाल के बोलो, ये जो संतति आप बोल रहे हो ये कोई एक वस्तु करके दिखा सकते हो जो ये संतति है आप वो संता मतलब कंटिन्यूटी वो संतति ही हो ये अलग मतलब आप ये जो निरंतर बोल रहे हैं गंगा जी के प्रभाव आप गंगा जी के प्रभाव को मैं उठा करके अलग करके देखो ये प्रभाव है, प्रभाव एक भाव वस्तु है अनादिकाल से चलता आ रहा है ऐसा आप उठा करके दिखाओ कोई ऐसा ये प्रभाव है दिखा सकते हो, इसको दिखाना पड़ेगा आपको संतान को ही दिखाना पड़ेगा संतान जिसे संतति बने हुई है ठीक है ना, मतलब जल 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 जब हाथ उठा क्या लगेगा आपको देखो ये गंगा जी की धारा अनादिकाल से चलता आ रहा है ये अनंत भी है दिखाओ क्या है, जब उठाओ हाथ में क्या हाथ लगेगा आपको पानी हाथ लगेगा, और जल उत्पत्ति है नाशवान है कि नहीं जल उत्पत्ति, इसीलिए ये जो संतति जो आप बोल रहे हो अनादिकाल से चलता आ रहा है ये जो है कोई एक एक वस्तु नहीं है जिसको आप अलग करके दिखा सकते हो,
और दूसरी बात, हम पहले बोल के आया आपको, ये जो आप अनादि बोल रहे हो ये भी आपका एक गलत शब्द प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको बीज कभी उत्पत्ति होते हुए दिखाई देते हैं और अंकुर कभी उत्पत्ति होते हुए दिखाई देता है। अंकुर से जो बीज की उत्पत्ति होती है और बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है, दोनों उत्पत्ति होते हुए दिखाई पड़ता है, चाहे आज के कितना भी पहले चले जाओ कितना भी आगे चले जाओगे। जब हम अजात बात को बोलते हैं तब हम नहीं मानते हैं, जगत कर्ता को दिखाना चाहेंगे। अज्ञान दशा में जीव की मुक्ति के लिए किसकी ज्ञान चाहिए? जगत कर्ता की ज्ञान चाहिए। तो जगत आपको दिखाई क्या दे रहा है? जगत दिखाई दे रहा है। तो जगत को दिखा करके जगत कर्ता को जब दिखाने के प्रसंग आएगा तब हम जगत को माइक मान करके मान्यता देकर के बोलेंगे। जो जो हमारी वो शास्त्रीय मान्यता नहीं है, जो मान्यता हमने मन में दे रखा उसकी अनुमोदन करके तब जगत कर्ता को दिखाते, इसीलिए स्थिति है। और पारमार्थिक दृष्टि से जो उत्तम अधिकारी है ये कुछ है ही, इसको तो तुम्हारी कल्पना है। और जब जगत है भी तो जगत कर्ता की क्या आवश्यकता है? जब सृष्टि नहीं हुई तो सृष्टिकर्ता कहाँ से आएगा? इसको इसमें घबराना नहीं है, सिद्धांत तो पक्का समझना है। सृष्टि मकान बना ही नहीं तो उसको बनाने वाला कहाँ से आएगा? आकाश ही बना हुआ है, मकान तो एक कल्पना था, कुछ दिन बाद फिर चला जाएगा। यदि सिद्धांत को समझ पाते हैं तो सृष्टिकर्ता की आवश्यकता नहीं है, नहीं समझ पाते ठीक है तो सृष्टिकर्ता है मानो चलो। ये वेदांतिक दो भाग से हम विचार करते हैं तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, नहीं तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। शास्त्रों की मर्यादा को रख करके, शास्त्रों मर्यादा को समझ करके, किसके लिए शास्त्र होते हैं? ज्ञानी के लिए कि अज्ञानी के लिए? अज्ञानी के लिए शास्त्र है, इसलिए यहाँ ईश्वर भी है माया भी है मानते हैं, परंतु साधन करते हुए जब इस तत्व को समझ जाएंगे तो आप स्वयं समझेंगे कि ये हमारे कल्पना ही थी। अरे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, जो सच्चाई को समझेंगे इसमें क्या बात, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। इसलिए आप बेचारे तब तो ईश्वर की मर्यादा को हानि हो जाएगा, जीव नहीं ईश्वर की मर्यादा, उस इस ईश्वर को जन्म न मरने वाला मानने से उसका मर्यादा बढ़ता है। मतलब ईश्वर निरंतर नित्य निरंतर है, एक रूप है, ये मानने से ईश्वर की मर्यादा बढ़ती है, तभी तो ईश्वर है। इसीलिए हम बोलते हैं बीज अंकुर संबंध निरंतर, बीज और अंकुर के जो निरंतर एक संबंध है ना, वो संबंध निरंतर होते हुए भी आप बीज को नाश कर दो तो अंकुर एक उसका नाश दिखाई पड़ता है। तो ये जो आपने कहा कि अनादि वस्तु अंतमान नहीं होता, संसार अनादि है तो नाश होगा नहीं हो पाएगा, ये तो आपका आपका अनुमान व्यभिचारी है। देखो बीज अंकुर संतति अनादि होते हुए भी नाश हो जाता है, पूर्व वाले बोल रहे हैं ठीक है, इस तरह बोल रहे हैं। तब वेदांत क्या उत्तर देंगे कि ये जो आप जो है संतान नाम की कोई वस्तु आपको अलग दिखाई दे रहा है, वो संतति मतलब कंटिन्यूटी, वो कोई अलग वस्तु नहीं है, वो जल ही है। यह तो स्पष्ट समझ में आता है, जल की धारा जब से मैं उत्तरकाशी में आया तब से हमने जितना काल से उत्तरकाशी गंगा जी की धारा वैसे ही बहती जा रही है। तो बोले को धारा तो अनादि काल से आया था इसलिए ये जो है परंतु इसका नाश हो जाता है। देखो धारा कहाँ नाश हो गया, डैम लगा दिया धारा बंद हो गया, तो अनादि काल से धारा चलती आ रही है, अब फिर डैम लगा दिया धारा को बंद करके। इसलिए आप जो कहा क्या कहा कि जो अनादि होता है वो अंत का नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है। तब बोलते हैं कि तब कुछ सोचो जरा इस चीज को, ये जो धारा जो आप बोल रहे हो ये क्या वस्तु है? धारा मतलब एक जल ही है। अब धारा नामक कोई वस्तु को अलग करके दिखा नहीं सकते, इसलिए भाव वस्तु नहीं है, तुम्हारी कल्पना है। ये जो भगवान वचन न एक वस्तु अभावेन अपोदितत्वात्, संग्रह वाक्य है, छोटा सा वाक्य लिखा ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक वस्तु अभावेन, एक संतान नामक कोई एक वस्तु का अभाव है वहां पे ठीक है ना। ये पहले हम निराकरण करके आया, ये पहले हम निराकरण करके आए, आपका कौन पहले निराकरण करके आया, क्या निराकरण कर बोलो कौन पहले है? और अनादि बोलते कौन अनादि है? बीजांकुर न्याय बोलता सदा साध सम ही सब, बीजापुर के द्वारा आप जो सिद्ध करना चाहे तो जगत का है, तो वो अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ। और जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ उसको दृष्टांत के द्वारा आप आपका अनुमान कोई सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए बोलता है एक न एक वस्तु अभावेन अपोदितत्वात्,
तो एक वस्तु है नहीं, मतलब धारा नामक कोई एक वस्तु नहीं है कि जो अनादि काल से है और अनंत तक रहेगा। धारा नामक कोई एक वस्तु अलग करके दिखा नहीं सकते होगा। न एक वस्तु अभावे न अपोदित। तीन नंबर टिप्पणी को देखिए, एक वस्तु एकस्य संतानस्य, वस्तु मतलब क्या हो जाएगा, संतान मतलब जो फ्लो कंटिन्यूटी हो उसका, अभावे न मतलब वस्तु तो अभावे न, संतान नामक कोई वस्तु उठा करके देखो भाव वस्तु भाव में दिखा सकते हो। आपको यदि हम कहते हैं नदी की धारा आपको दिखाई देता है तो ठीक है, उठा करके दिखाओ धारा को, क्या हाथ में आएगा आपको, चली जाएगा, जल उत्पत्ति विनाशी है। इसी प्रकार बीज और अंकुर की धारा आपको दिखाई दे रहा है, देखो हाथ में क्या लगेगा आपका, तो बीज लगेगा तो अंकुर लगेगा हाथ में, जो धारा दिखाने के लिए दौर किसी को उठा हुआ हाथ में तो क्या उठाओगे, तो बीज अथवा बीज से जो अंकुर निकला, और दोनों के आदि आपको दिखाई पड़ते हैं, दोनों शादीमान है, इसलिए अनादि नहीं है, इसलिए हमारे अनुमान में भी चले नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि एक वस्तु अभावे न अपोदित, अथवा अपोदित मतलब अभावे न वस्तु तो अभावे नहीं, क्यों तो हमें पारमार्थिकता नहीं है, उसकी धारा में अभावे न अपोदित मतलब निरस्त, अथवा उसको निराकरण कर दिया गया। साध्य अभावती संताने, साध्य की अभाव ठीक है ना, कहाँ है साध्य, क्या है आपके अनुमान में, विमतम संसार पक्ष हो गया, साध्य हो गया न अंतवान, ये हो गया साध्य, अनादि भाव रूपता ये हो गया आपका हेतु। व्यभिचार किसको बोलते हैं, व्यभिचार किसको बोलते हैं, साध्य अभाव व्यतित्व, जहाँ पे साध्य नहीं है हेतु बैठे हुए है, जहाँ पे साध्य नहीं है और वहाँ पे हेतु बैठ जाए तब जाकर वो हेतु व्यभिचारी हेतु होते हैं। साध्य जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जो हेतु बैठ जाए, साध्य अभाव मतलब जल रहा, जहाँ पे आग नहीं है परंतु वहाँ पे जो धुआं नामक हेतु बैठ जाए तो धुआं हेतु व्यभिचारी हो जाए, ये कार्य साध्य अभाव व्यतित्व व्यभिचारी होता है। साध्य जहाँ पे नहीं है, जिस चीज को आप सिद्ध करना चाहते हो वो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे यदि आपका हेतु बैठ जाए तब वो हेतु व्यभिचारी होते हैं। हेतु हेतु हो गया आपका अनादि भावत्वा, विमत संसार ये हो गया पक्ष, न अंतवान ये हो गया आपका साध्य, अनादि भावत्वा ये हो गया आपका हेतु, आत्मवत हो गया आपका दृष्टांत, आत्म का दृष्टांत। साध्य अभाववती संताने हेतु अभावे न व्यभिचारो अभाव, देखिए साध्य अभावी गति में यदि हेतु बैठ जाता, हेतु क्या है अनादि भावत्व, तो वहां पे हेतु का साध्य अभाव में हेतु का अभाव है, मतलब वो अनादि भाव रूप नहीं है वो, क्योंकि वो अनादि सब आदि वाला है। टिप्पणी का जो शब्द लिखा उसको समझना है आपको, साध्य अभाव गति, साध्य अभाव में यदि आपका हेतु रह जाए तो आप वो हेतु को व्यभिचारी हेतु माना जाता है। साध्य अभाव में यदि हेतु बैठ जाता है, जिसे जल रात में जो धुआं बैठ जाता है तो वहाँ पर आग नहीं है, व्यभिचारी हेतु है। ठीक इसी प्रकार साध्य अभाव साध्य अभाव क्या है, न अंतवान है ना, मतलब अनंत नहीं है, अनंत नहीं है कौन संसार, अनंत नहीं है वह भी साध संतान है, साध्य अभावती संतान है, मतलब हेतु और अभाव है, वहाँ पर हेतु भी नहीं है, हेतु क्या है अनादि भाव रूप, अनादि ने वो शादी है वो सब दोनों अंकुर भी दोनों आपको शादी दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हेतु अभाव है ना व्यभिचार अभाव, इसीलिए हमारे हेतु व्यभिचारी हेतु नहीं है। इति अर्थ माने साध्य हेतु दृष्टांत को फोर्थ आइटम क्या है, नहीं पक्ष पहले है, पक्ष पक्ष क्या है, हम यहाँ पे संसार पक्ष है, विमत संसार पक्ष है, जिस वस्तु के संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसके ऊपर कोई वस्तु को लेकर के विवाद होता है, शंका होती है, उसको पक्ष बोलते हैं, उसको पक्ष बोलते हैं। अब जिस चीज को सिद्ध करना चाहते हो क्या साध्य, और जिसके द्वारा सिद्ध करना चाहोगे हेतु, और उसके लिए दृष्टा समझाने के लिए दृष्टा देते हो दृष्टा, जिसके समझाने के लिए दृष्ट होते हैं। संतान ही नैयत्य तच्च अंतराय अभावित हो, क्योंकि संतान मतलब निरंतरता और उसका अभाव है यहाँ पे, साध्य अभावति हेतु अभाव, हेतु आपने क्या किया, जो संतान आप बोल रहे हैं संसार के अंदर, संतान ही नैरंतर्यम तच्च अंतराय अभाव, निरंतर तो अंतराय के अभाव, अंतराय इति भाव, परंतु उसका यह इति भाव अंतराय अभाव, संतान मतलब क्या होता है
संसार मतलब कहते हैं अंतराय की अभाव को कंटिन्यूअस है। परंतु आप देखो जिस बीज से आपको अंकुर उत्पन्न किया अब अंकुर हुआ उससे जब बीज उत्पन्न हुआ अंतराय समय लगता है उसमें संतान जो हमेशा बहती रहे। परंतु जिस चीज की संतान आप बोल रहे हो वो संतति को छोड़कर दूसरा कोई वस्तु नहीं संतान हमारी कल्पना। इसीलिए ये अनुमान हमारा गलत नहीं है। विमान तो संसार और न अंतमान अनादिभावि को एक जगह व्यभिचार स्थान दिखाना चाहते थे। व्यभिचार स्थान कहाँ दिखाना चाहते थे? बीज अंकुर में। जब बीज और अंकुर जो है अनादिकाल से इसका संतति चलता आ रहा है परंतु अनाश हो जाता है। यदि बीज को नाश कर दोगे तो नाश हो जाएगा। हमारे यहाँ भी जो छह वस्तु का आपने दिखा है वो अनादि यदि अनादिभाव वस्तु होता तो अभी कभी नाश नहीं होता। अनादिभाव वस्तु होते कभी नाश नहीं होता। जीव ईश्वर जीव ईश्वर की भिन्नता की कल्पना अज्ञान और अज्ञान के साथ चैतन्य का जो बताओ ये कोई भी भाव वस्तु है क्या? जीवन की कल्पना है ईश्वर की कल्पना है जीव ईश्वर की भिन्नता की कल्पना है मिथ्या स्मृति जो होती है। अज्ञान भी आत्मा के ऊपर कल्पित है और अज्ञान के साथ चेतन की ज्वर चेतन की जो चेतन कल्पना नहीं है चेतन जो है शुद्ध चेतन और चेतन के साथ बाकी सारा संसार जड़ है। चेतन के साथ जड़ का कभी संबंध नहीं हो सकता है। भारती कल कल आया था उसमें वहां पे बोलते हैं विकारस्य अविकारिनः विकार का जड़स्य जड़स्य चेत चेत एक का एक तृतीय में था और एक षष्ठी में था। मतलब इसके साथ इसका विकार का अविकारी के साथ चेतन का जड़ के साथ और उत्पन्न विनाश का अविनाशी के साथ कभी संबंध नहीं हो सकता। कभी संबंध नहीं हो सकता। भारतीय में आया वेदांत भारतीय में आया भाई इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये जो आप आपको क्या बोला आपने तो गलत आपका अनुमान गलत है। बीज अंकुर संबंध निरंतर विच को निरंतर है उसका विच दिखाई थी चे न एक वस्तु अभावेन अपोदितत्व वो एक कोई वस्तु रूप नहीं है वो केवल मात्र दो वस्तु है बीज और अंकुर उसका एक कंटिन्यू आपका एक कंटिन्यूटी उसका हमने कल्पना किया है। इस प्रकार से हमने आपको मतलब इसको खंडन कर दिया। और दूसरी बात क्या है आप बीज को भी अलग उत्पत्ति दिखाई जाता है और अंकुर को भी अलग उत्पत्ति दिखाता है। तो जिस संतान के द्वारा संतति हो रहा है अथवा जिस संतति के द्वारा संतान उत्पन्न हो रहा है उसके अंदर जो गुण है वो इसमें भी आएगा। दोनों जब आदि वाला है तो संतति अनादि कैसे होगा? बीज और अंकुर दोनों ही आदि वाला दिखाई देता है। चाहे कितना भी पीछे चले जाओ कितना भी आगे चले जाओ आपको जो है वो आदि वाला ही होगा। उसका संतान होगा आदि वाला ही होगा। यह अभिप्राय समय हो गया यहीं पे रखते हैं। इसको थोड़ा एक बार देखना चाहिए समझने का कोशिश करना बस। ये याद रखने वाला वस्तु है बुद्धि में बैठाने वाला वस्तु है। क्या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे तो आप ये मैं बोला था वेदांत सिद्धांत इसलिए पहले बोला था कि जब तक अधिकारी ठीक नहीं होता घबराएगा इसको सुनने से कि क्या बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल पारमार्थिक जगह पे खड़े होकर के बोल रहे हैं कुछ गलत है। आपने अपने आप क्या बोला नारायण बद्रीनाथ में बैठ करके नारायण की कृपा से हमको ये चीज कर दी थी भगवान ने उनको समझा। इसलिए इसको पढ़ने में हमें कोई गलती अथवा समझ में कोई गलती नहीं है ये सच्चाई है। इसका मतलब ईश्वर को निषेध कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ ईश्वर की मर्यादा को रख कर तभी तो नारायण को नमस्कार करके शुरू किया। नारायण का नमस्कार करके शुरू करते हैं ईश्वर की मर्यादा रख करके भी क्योंकि वेदांतियों ने जितने ईश्वर को मर्यादा दिया हम तो उतना नहीं दे पाया हमको ऐसा करना है क्योंकि वो भगवान को जो है शरीर वाला मानकर उसको सेवा ओवर करते हैं। शरीर के साथ रहने कभी कोई अच्छा काम हुआ गया शरीर के साथ रहने से दुखी होगा ये तो मुख्य सिद्धांत जीवन का अनुभव हो जाता है। ठीक है भगवान भक्तों के साथ लीला करने के लिए अथवा दुष्ट को नाश करने के लिए धर्म संस्थापन करने के लिए आते हैं ईश्वर इसको अस्वीकार नहीं करते पारमार्थिक उसका भी विशेष सही बना रहे आज अवसर पढ़ेंगे दूसरा प्रज्ञा वैशाख बेध शुशुभित जननी हे
वेदनाम्रवन्दनस्तम्भूतान्यालोकमान्यव्यजननक्रामोरेशमुद्रे कारुण्यामृतमृतमममरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तम् उच्चावि मुच्चम् परम गुरुम् पादद्वारेण नमोऽस्मि पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरुणात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्ति